नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम RO AR O के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बात ना करते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे घा कौन सा वर्ण होता है? घा जो होता है कंठ वर्ण होता है, क्योंकि कंठ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम का हिंदी किस शब्द को उसके अनुसार क्या होगा? पहले पर संतान आएगा, दूसरे पर सकल, तीसरे पर सक्षम, फिर सचल आए। निम्नलिखित से महाप्राण वर्ण कौन सा है? ये था जो है ये कौन से महाप्राण वर्ण? हिंदी शब्दकोश में आ, अंग और आह किस के साथ आता है? ये आता है आ के साथ आता है। छावण किसके योग से बनता है? का और शाह के योग से बनता है छावण। निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं, कर्ल मात्रा नहीं? अयोग्य वाक्य क्या होते? विसर्ग को अयोग्य वाक्य कहा जाता है, अयोग्य वाक्य विसर्ग को। टावण में किस प्रकार की व्यंजन है? टावण जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये पार्श्विक ध्वनि है ला। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? ये अयोग्य वाक्य है, अंग और आह अयोग्य वाक्य है। निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्रंग्या असरा, ये क्या होता है आपके? ये वो आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या चार होती है। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? जा जो है आपका क्या स्पर्श संघर्षी? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्ण छा किस प्रकार का वर्ण? छा आपके किस के बाद आता है? का के बाद। उच्चारण के स्थान पर कौन सा व्यंजन है? कंठ तरल, जो कंठ से किया जाता है। हिंदी में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? जो आपका या रा ला वा, ये आपका क्या अंतस्थ व्यंजन है, जबकि हा आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? शा आपका क्या अघोष वर्ण? हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ कौन सी? चा जा चा छा झा, ये तालव्य ध्वनियाँ जो तालु से निकलती। ध्वनि अल्पप्राण क्या है? ता, ये ध्वनि अल्पप्राण। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत और व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी? था है आपका। हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी? भा आपकी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी की क्लास के। तो और अगली क्लास में और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो यहीं सहयोग और प्यार बनाए रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार स्टडीपुर चैनल पर बनाए रखिए दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।